अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ शाहीन एंड वेलकम बैक टू कुक विद शाहीन। आज मैं आप लोगों को बनाकर बताने वाली हूँ पानी की फुलकी। दही की फुलकी आप सभी ने खाई होगी, तो चलिए आज पानी की फुलकी बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले 2 कप बेसन मैंने लिया हुआ है। अब इसमें मैं 3 चुटकी बेकिंग सोडा डालूंगी, या फिर आप 1/4 टीस्पून के हिसाब से 3 1/4 टीस्पून डाल सकती हैं। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 छोटा चम्मच नमक। आप इन सभी की क्वांटिटी ज़्यादा और कम भी कर सकती हैं बेसन के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून। आप चाहें तो चिली की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकती हैं। और ये हल्दी डाल रही हूँ, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर हमें पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसे हमें बैटर बनाना है। जब ये अच्छी तरह से गीला हो जाएगा तब हमें इसे फेंटना है। और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिक्विड करेंगी तो फिर जो फुल्की है वो वैसी बन नहीं पाएगी। तो अभी इस तरह से हमें इसे फेंटना है। इससे क्या होगा कि इसमें गैस फॉर्म होगी और उससे जो फुल्कियाँ हैं वो बहुत अच्छी तरह से फूलेंगी। जितना अच्छी तरह से आप फेंटेंगी उतनी अच्छी आपकी फुल्की बनेगी। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैं इसका पानी बना लेती हूँ। तो पानी के लिए यहाँ पर 1 कप मैंने सादा पानी लिया है। आप चाहें तो 1.5 कप सीधा ठंडा पानी भी डाल सकती हैं, पर मैं ज़्यादा ठंडा नहीं बनाना चाहती हूँ इसलिए 1 कप सादा पानी ले रही हूँ। 1/2 कप ठंडा पानी ये डाल रही हूँ और इसमें मैंने इमली भिगो कर रखी हुई थी 100 ग्राम, वो इमली डाल रही हूँ 1 कप पानी में। और ये मैंने 2 छोटा चम्मच हरी चटनी ली है। चटनी मैंने धनिया मिर्चा लहसुन और नमक की बनाई है। और इसके बाद लेमन जूस डालूँगी 1 छोटा चम्मच। अदरक यहाँ पर मैंने ग्रेट करके रखी हुई थी वो डालूंगी। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकती हैं, या फिर अगर आपके पास सौंठ पाउडर है यानी कि जो अदरक का पाउडर होता है वो भी डाल सकती हैं। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, नमक मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकती हैं। यहाँ पर मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया है, काला नमक 1/2 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। और ये रहा चिली फ्लेक्स 1/2 छोटा चम्मच, थोड़ी सी हींग भी डालूंगी, हींग पाउडर। और ये मैंने अनियन रिंग्स काट के रखे हुए हैं वो डालूंगी, और धनिया मैंने काट कर रखी हुई थी वो डालूंगी। ये सभी इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, दही फुल्की से ज़्यादा आपको ये अच्छी लगेगी और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है क्योंकि ये पानी से बनती है। इसलिए एट लास्ट मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी, बस अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब 5 से 10 मिनट हो चुके हैं तो अब मैं बनाती हूँ फुल्की। तो फुल्कियों के लिए तेल मैंने गर्म कर लिया है, बस इस तरह से हमें ड्रॉप कर देना है। इसी तरह से जो कढ़ाई की वॉल्यूम है उसके हिसाब से आप इसमें उसी के अकॉर्डिंग फुल्कियाँ डाल सकती हैं। 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से पड़े रहने देंगे, उसके बाद इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे। जब आप देखेंगे कि जो ऊपर का भी बैटर है वो जो है वो फ्राई हो चुका है, गीला नहीं रहे, इस तो आप इसे अच्छी तरह से चला सकती हैं। और इस तरह से देखेंगी कि बबल्स आ रहे हैं फुल्कियों में, इसका मतलब आपकी फुल्की है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनी है, आपका बैटर बिल्कुल सही है। तो अब ये लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं गोल्डन ब्राउन से, तो अब गोल्डन ब्राउन जब ये हो जाएंगे तब हम इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद रूम टेम्परेचर पर मैंने एक बोल में पानी लिया हुआ है, यानी कि नॉर्मल वाटर है, ठंडा नहीं है, इसमें मैं डायरेक्टली डाल दूंगी। जैसे ही आप कढ़ाई से निकालेंगे वैसे ही इसको डाल देंगे तुरंत ही पानी में, और 2 मिनट तक इसे हम सूखने देंगे पानी में। और 1 या 2 मिनट के बाद तुरंत ही इसे निकाल कर पानी इसमें जो सोख हो गया है उसे निचोड़ कर जो हमने पानी बनाया था इसका उसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से प्रेस करेंगे, बहुत ही टाइटली प्रेस नहीं करना है वरना जो फुल्कियाँ हैं वो फूट जाएंगी।
और पानी में हम इसे डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।